अब देखिए तीसरा नियम, बहुलक में तीसरा नियम कैसे रहेगा कि वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी तरह से दिया है 60 तक, और बारंबारता में 8, 12, 20, 15 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, तो 25 है। तो जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा वो एफएम का मान होगा। एफएम का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफएम। जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा वो एफएम का मान होगा, यानी एफएम बराबर हम लिखेंगे 25। अब देखेंगे कि 25 से ऊपर, 25 से ऊपर कौन सा बारंबारता है, तो 20, तो वो हो जाएगा FM-1, FM-1 बराबर 20। अब देखेंगे 25 से नीचे का बारंबारता क्या है, तो 25 से नीचे 16 है, ई हो जाएगा FM+1। FM-1 का मतलब हो गया कि FM से एक पहले, न कि FM में से एक हटाएंगे, FM से एक पहले वाला बारंबारता, और FM+1 का मतलब हो गया FM से एक नीचे वाला बारंबारता। तो ई FM का मान है 25, 25 से नीचे 16 है, FM+1 का मान हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा वो एफएम का मान होगा। तो एफएम का मान क्या हो गया, एफएम का मान हो गया 25। अब एफएम से पहले यानी 25 से ऊपर जो होगा FM-1 का मान, तो FM-1 का मान 20, और जो इससे नीचे होगा FM+1 का मान, तो FM+1 का मान 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर L निकाला जाएगा, L जो होता है FM का निम्न सीमा, FM का निम्न सीमा। तो FM का निम्न सीमा क्या है, FM का निम्न सीमा 30 है, तो L बराबर क्या हो गया 30। I का मान उसी तरह से किसी भी वर्ग अंतराल में से घटा दीजिए, I का मान क्या हो गया 10। अब यहाँ दो बात का ध्यान रखना है कि यदि वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में होगा, यदि वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में होगा, समावेशिक विधि में, तो आई के मान में एक जोड़ देना है, एल के मान में 0.5 घटा देना है। लेकिन कब, जब वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में रहेगा तब, यानी एल का मान जितना आएगा उसमें 0.5 घटा देंगे, आई का मान जितना आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। लेकिन ये दो परिवर्तन कब करना है, जब वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में है, जैसे 10, 20, 30, 40, ई अपवर्जी विधि में है। अब कुछ नहीं करना है, बहुलक का सूत्र लिख करके बना देना है। तो बहुलक बराबर होता है L+FM-1 बटा में 2FM-FM-1 FM+1 आगुणे आई। अब यहाँ पर मान रख देंगे L के जगह पर, L का मान 30 प्लस FM के जगह पर 25, और माइनस FM-1 का मान, FM-1 का मान 20 बटा में 2FM, यानी 2 गुणे FM का मान 25, माइनस FM-1 का मान 20, माइनस FM+1 का मान 16, और गुणे I का मान 10। इसी को सरल कर देंगे, 30 ज्यों का त्यों प्लस 25 में से 20 घटेगा 5, आ गुणा आई के मान ऊपर गुणा हो जाएगा 10, और 25 दूनी के 50, आ जब दो अंक माइनस में रहता है तो दोनों माइनस वाले अंक को जोड़ देंगे, तो माइनस 20 में माइनस 16 जोड़ाएगा तो माइनस 36, यानी 30 प्लस 10 पच्चे 50, बटा में 50 में से 36 घटेगा 14, अब 30 प्लस 14 से भाग दे देंगे, 14 तिया 42, 8, 14 पाँचे 70, 10, 14 84। अब जोड़ देंगे, यानी जोड़ने पर आ जाएगा 33.56, यहीं आपका क्या हुआ, बहुलक हुआ।